Hi guys, welcome back to the channel. हम हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे. वी आर फ्लाइंग टू कैलगरी फ्रॉम पोटर एयरलाइंस. पोटर का ना लोगो बना है एक पांडा, विच इज़ वेरी क्यूट. एनी विच वेज, अब हमने बोर्डिंग पास खुद निकालना होता है. उसके बाद हम चेक इन करेंगे अपना लगेज. हमने ऑलरेडी दो बैगेजेस खरीदे हुए थे, तो हमें बस यहाँ पर ड्रॉप ऑफ करने थे. उन्होंने पहले ही वेट चेक कर लिया था. वेट चेक करने के बाद दे हेल्प्ड अस टू ड्रॉप ऑफ आवर बैगेजेस. दीज गाइज वर सो स्वीट. उनको पता था कि हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे, तो दे हेल्प्ड अस थ्रू आउट. दे वर वेरी स्वीट एंड द चेक इन प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ. और अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो VIP पोर्टर मेंबर बन सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड उसके काफ़ी पर्क्स भी होते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले टिम हॉर्टन्स और कुछ ब्रेकफास्ट में खा लेते क्योंकि भूख तो लगी थी बहुत तगड़ी. 4 घंटे की फ़्लाइट है तो खाना पीना तो इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं तो आप नॉर्मल शॉपिंग तो कर नहीं सकते. ये है हमारा प्लेन, 2x2 की सीट्स हैं यहाँ पे और फ्री वाईफाई था यहाँ पे. आधा आधा घंटा आप यूज़ कर सकते हो. अगर आप एक और वीडियो देख लो तो और 1 घंटा यूज़ कर सकते हो. और अगर आप VIP पोर्टर मेंबर हैं तो थ्रू आउट द फ्लाइट आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो, विच वाज़ वेरी कूल बिकॉज़ यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम था नहीं, तो हमारा काफ़ी बढ़िया टाइम पास हो गया. होते ही एक लिफ्ट पकड़ के हम चले गए थ्रिफ्टी. यहाँ पे जहाँ थ्रिफ्टी था वहाँ हर्ट्स और बाकी सब वो जगहें भी थी जहाँ से आप अपनी कार रेंट कर सकते हो. कार रेंट करने के बाद हमने बनाई वीडियो अपनी गाड़ी की, बिकॉज एक एक स्क्रैच मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रिकॉर्डिंग पहले ही करना समझदारी का काम होता है, बिकॉज कभी कभी होता है कि कोई डेंट वेंट पहले से होता है, इन्होंने नोट नहीं किया होता, बाद में आपको पे करना पड़ता है. लेकिन हमने फुल कवरेज इंश्योरेंस ली थी. गाड़ी पहली बार लेफ्ट हैंड साइड चला रही थी तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी नहीं, बट नाउ वी आर वेटिंग आउटसाइड द होटल. मम्मी और पापा अंदर गए हैं चेक इन कराने. विंड इज़ टू विंडी और प्रॉब्लम ये हो गई है, हमने यहाँ होटल बुकिंग कराई थी बट वो कह रहे हैं कि आपकी होटल बुकिंग कैंसिल हो गई है. एंड मुस्कान को भी फीवर है, अभी देखते हैं एक नंबर पर बात करिए. गाइस, हाय फ्रॉम आवर न्यू टोयोटा, जो हमने थ्रिफ्टी स्टोर से थ्रिफ्ट तो नहीं करी है. और खुशी लग रही है, लेकिन कमाल हो गया है. पहले जब हम गाड़ी रेंट कर रहे थे हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं चला, हर जगह चला वहाँ नहीं चला. फिर मेरा डेबिट कार्ड नहीं चला, फिर कर करा के सिर्फ एक ही बार डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हुई जब थर्ड ड्राइवर इंसर्ट कर रहे थे, जो कि हमारे पापा जी हैं, वो हो नहीं पाए और मैं और मुस्कान हो गए ड्राइवर इंसर्ट. मुस्कान को हो गया है अब फीवर, तो बचा कौन ड्राइवर साहब? मैं. सबसे घर का छोटा बच्चा ड्राइवर साहब बन चुका है. और कुछ 4 हॉर्न पड़े हैं हमें, झूठ नहीं बोलूँगी, हमें क्या, मुझे 4 हॉर्न पड़े हैं. मुस्कान नेविगेट कर रही है. और फिर उसके बाद एक्सक्लूसिविटी ये हुई कि हमने जिस होटल में बुकिंग कराई थी वो तो कहते हैं आपने होटल बुकिंग कैंसिल करा दिया. अब कर करा के 1.5-2 घंटे हो गए हैं, अब फाइनली हमने वापस यही होटल रीबुक किया है. बता रही थी अब हमने फाइनली रूम में चेक इन कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था ट्रैवल एजेंट और इनके बीच में. इनको बुकिंग नंबर फिर हमने कुछ और दिलाया, फिर कुछ करते कराता, बड़ी कन्फ्यूजन थी. लेकिन कुल मिला के मूल ये निकला कि जब आप ऑलरेडी, हम सुबह 7 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे अब 5 बज गए हैं, गाड़ी लेके ये सब, क्रेडिट कार्ड पहले नहीं चला, फिर गाड़ी मैंने स्लोली चलाई बिकॉज यू नो ऑब्वियसली आई वॉज ड्राइविंग न्यू. और अभी लंच किया है यहीं पे रूम में, मैं और पापा टिम हॉर्टन्स लाए थे. अब हम जाएंगे फार्मेसी से जाके मुस्कान के लिए मेडिसिन लेके आएंगे एंड देन देखते हैं आज हम ये टाउन एक्सप्लोर कर सकते हैं या नहीं, या आज हम सिर्फ रेस्ट करेंगे क्योंकि आज के लिए काफ़ी कमाल हो चुका है. भाग तो दिया नहीं, मौसम विभाग कुछ इस प्रकार है कि ठंड है, मीठी मीठी हवा चल रही है, वो पहाड़ों वाली मीठी मीठी हवा. और ठंड तो है एंड बैम ज़्यादा ठंडा है, तो आई थिंक कल बैम में ज़्यादा ठंड होगी. हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था कैनेडियन टायर, ये ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पे फार्मेसी भी थी, तो हमने सोचा कि कुछ पानी वानी उठा लेते हैं और कुछ खाने वाने के लिए, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन थे यहाँ पर.
ये ना यहाँ पे गिफ्ट कार्ड कल्चर बहुत है, ऐसे स्टारबक्स का गिफ्ट कार्ड, मैकडोनल्ड्स का गिफ्ट कार्ड, डिज्नी का, गूगल का, और यहाँ पे जो पार्टी सप्लाईज होते हैं बच्चों की, बहुत ही क्यूट होते हैं यार। मतलब हर थीम का, अगर आपके दिमाग में डायनासोर थीम है तो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो आप अपनी पार्टी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो, खुद ही करना पड़ता है सब। तो अब ये 1.5 किलो का पानी उठा के अब जाएंगे हम वापस, दवाई ववाई हमने मुस्कान के लिए ले ली थी। पापा बना रहे हैं चाय, चाय टाइम। हमारा बीमार बच्चों, दोनों उधर कॉफी पांदे ने ना, वो गर्म हो रही है, इतनी तप रही है। छोड़ दे मुझे, मुस्की को रूम में छोड़ दिया है कि कुछ की तबीयत खराब है। और मम्मी पापा आप तो ट्रेनिंग कर रहे हो। सिटी घूमने का बेस्ट तरीका है रिसेप्शन से पकड़ो मैप, वो मार्क कर देते हैं कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। उनसे हमने मार्क करा लिया कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बढ़िया, अब हम जाएंगे इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए। कहीं घूम गए तो गूगल मैप तो है ही। ये हमारा होटल है होमवुड स्वीट्स बाय हिल्टन, और गार्डन इन बाय हिल्टन भी दोनों बगल बगल में ही है, बट इसकी लोकेशन है फैब, क्योंकि ये डाउन टाउन से कुछ 5 मिनट वॉकिंग है और बार बार वो नहीं निकालनी पड़ती गाड़ी, सो विच वॉज अ गुड थिंग। और बस यार हम ये मेन सिटी हॉल और दूर से ही अपना टावर वावर देख के वापस होटल चले गए थे रेस्ट करने, बहुत थक गए थे। आज हम जा रहे हैं कैलगरी से बैंफ। अच्छा हुआ हमने एक रात का स्टे ले लिया, थोड़ा फ्रेश हो गए। मुस्कान की तबीयत अभी भी खराब है, बट देखते हैं, आज तो 1.5 घंटे की ड्राइव है, बट उस पर कितना रुकेंगे। और फिर एक लुइस व्यूज जाने का, आप 60-70 किलोमीटर्स हैं, विल कीप यू पोस्टेड। यही है रोज रोज अटैची बंद करो, अटैची खोलो, स्टार्टिंग आर बैंफ जर्नी, चेकआउट करा रहे हैं यहाँ से। नेशनल पार्क की टिकट ले ली है, या विंडस्क्रीन लगानी होती है वो ले ली है। हम पहुंच गए हैं बैंफ, और फॉक्स इन करके हमारा होटल है। मम्मा पापा अभी पार्किंग पता करने गए हैं, और अभी धूप बहुत अच्छी आ गई है, तो मेरे को लगता है आज हमें लेक्स करनी चाहिए। बाकी उसने हमें एक वो जो आप देख रहे हो ना, ये दिया है। अभी एक बार गाड़ी वाड़ी लगा के थोड़ा रूम वूम में जाके रूम टूर दे के आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आज। पहले खुद देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी तक तो गुड वाइब आ रही है, एकदम ऐसे लकड़ी के हाउसेस एंड ये वो, श्रीनगर टाइप घर नहीं होते जैसे, वैसे हैं। गुड गुड फीलिंग आ रही है। जब रास्ते में गाड़ी चलाओ तो थोड़ी दुख 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 तो होती है, स्पेशली व्हेन यू विद योर फैमिली एंड ये वो, बट इट्स ओके, वी डिड इट, वेलकम टू बैंफ। क्या हुआ? हां, यू टर्न लेके लेफ्ट लेके फिर से लेफ्ट लेके तो बैक साइड जा देंगे जहां हमारा रूम है। ऐसे ही जाके आओगे? हाँ, जैसे भी। बहुत दूर जाना पड़ेगा रे, यहाँ से रास्ता नहीं है। नहीं है यहाँ से, ये बेसमेंट जाता है रास्ता। चलो आ जाओ सारे, बैठ जाओ, हमारे रूम की चाबी मिल गई हमें। क्या हुआ? न्यूटन मार। स्टोर अलमारी, स्टोर अलमारी, वॉशरूम, टीवी। ये नीचे का पहले दिखा दिया मैंने, ये यहाँ से आप एंटर करते हो और ये ऊपर आपका एंटरटेनमेंट जोन है। ये सोफ़ा है, ये डाइनिंग टेबल खाना वाना खाने के लिए, ये सामान, ये छोटी सी पैंट्री, काफ़ी कुछ नहीं खुलता। नहीं, दिस इज लॉक्ड, आई थिंक ये इंटरकनेक्टिंग रूम होगा। यहाँ पैंट्री में है आपका कॉफ़ी बार, धोने के लिए यूटेंसिल्स, फ्रिज,
एंड आपके बर्तन और ये है व्यू। हमें बस पास दे दिया है ट्रांजिट में बिकॉज वी स्टेइंग हियर और आथाबास्का ग्लेशियर पे भी हमें 10% ऑफ मिला है तो वो हम करेंगे परसों जब हम जैस्पर जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बैम्फ डाउनटाउन की तरफ कुछ खाने और फिर हमारा प्लान है कि लेक मिनी वांका या बो फॉल्स में से कहीं हम जाएंगे। इंटरकनेक्टिंग बस बहुत सही है और बस पकड़ना बहुत ईजी है, हर स्टॉप पे टाइम लाइन लिखा है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। बस ने हमें सीधा छोड़ा बैम्फ डाउनटाउन। ये हर डाउनटाउन से अलग है, वो आप देख ही सकते हो क्यों अलग है। हर आसपास पहाड़ ही पहाड़, इतना सुंदर इसकी कहने की हद नहीं और इतना बढ़िया सनी डे, पर थोड़ा विंडी हो गया था इस टाइम पे। अब हम आए लंच का। फ्री स्ट्रीट में बस रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं ना, वैसे हर जगह डाउनटाउन में रेस्टोरेंट्स ही है। हम आए हैं यहाँ एडी बर्गर बार पे और देखते हैं यहाँ का कैसा बर्गर रहता है। और ठंड और हवा पड़ती जा रही है, इन लोग का फेवरेट मौसम, एंड आई डोंट लाइक इट। रूम में आके हीट टेक की लेयर ऐड कर लिया है, अब फाइनली तसल्ली से घूमेंगे बैम्फ डाउनटाउन। क्या व्यू है यार, बस की वेट कर रहे हैं डाउनटाउन जाने के लिए। उधर पहाड़ निकला चूहा, हमें लगा स्टारबक्स रिजर्व है पर ये तो नॉर्मल स्टारबक्स निकला है। चलो कोई नहीं, बट इनकी स्टारबक्स कलेक्शन अच्छी है। ये मर्मेड मग है, कुछ भी ले ले आई शेयर। गरम नहीं पीऊंगी क्योंकि उससे ना फिर डिहाइड्रेशन और हो जाती है। विदाउट आइस ले लियो ना। ये है एक और मग, $28। ये भी स्मार्ट है, बॉटल कितनी स्मार्ट है। ये यहाँ की लोकल बसेस हैं, हमें पास मिल गया था इसी बस का। ये पूरा सिटी मैप 124 जाएगी, यहाँ से हमें 6 नंबर पे जाना है। विली वांका नहीं, मिनी वांका। हम आ गए हैं लेक मिनी वांका। रोम वाला बस पास ले लिया था, बस नंबर 6, और वो हमें ले आई है यहाँ पे। ओहो स्टीप है काफी, मस्त मस्त लेक आ गए हम। कौन सी लेक करना? मिनी वांका लेक। हम हाइकिंग शुरू कर रहे हैं अपनी, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। बट नज़ारा आप देख सकते हो, बैठ जाओ यहाँ पे इस बेंच पे बैठ जाओ।
और नजारा देख लो। हैं, बैठ गई मम्मा, हमारी हाइक यहीं तक थी गाइस, जहां से नजारा सुंदर मिल जाए। मुझे ऐसी जगह ज्यादा पसंद है, अनु को बिल्डिंग वगैरह ज्यादा पसंद है। सो यस, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, आराम से बैठ गई हूँ, चिल करूँगी थोड़ी देर। देखो ऊपर बंदे भी चल रहे हैं। सो नेचर इंस्पायर्ड प्लेसेस आर लाइक माय काइंड ऑफ थिंग एंड सिटी वाइब्स आर माय सिस्टर्स काइंड ऑफ थिंग। हेलो एंड वेलकम टू लेक मिनोका, दिस इज द फर्स्ट बोर्डिंग कॉल फॉर द 6 p.m. क्रूज। इफ यू हैव टिकट्स प्लीज हेड टू द टिकट ऑफिस टू चेक इन। इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड योर बोर्डिंग पास। ओह अपेरेंटली यहां पर क्रूज भी होता है। थैंक यू, हैव अ मेन वंडरफुल डे। इंटरेस्टिंग, क्रूज करना है। आप ऐसे बोट भी रेंट कर सकते हो, वो क्रूज तो चलती है और सीधा सीधा चलते रहोगे तो पिकनिक पॉइंट है और हाइकिंग ट्रेल्स हैं। अभी हम हाइकिंग ट्रेल पे ही हैं, अभी काफ़ी ऊपर तक जा सकती है हाइकिंग ट्रेल, लेकिन हम काफ़ी ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि द वेदर लुक्स कि वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जस्टिफाई नहीं हो रहा ये ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। हाइकिंग ऑल द वे टू हैव अ गुड लुक। बहुत 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 बड़ी लेक है और इस मिनियोंका का मतलब होता है लेक्स और स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ लेक्स, आई एम सो सॉरी। एंड यहाँ पे हैं अच्छे व्यू पॉइंट्स, वो देखो वहाँ पे कोई फोटो खिंचवा रहा है। ओहो द व्यू, ओ माय गॉड। इतनी प्रिटी जगह की फील ना नेचर की वाइब्स और साउंड्स आती है, तो मैं म्यूज़िक नहीं ऐड करी सो दैट यू कैन ऑल्सो इन्जॉय द विंड एंड द बर्ड चॉपिंग। वैसे ही चलती हैं यहाँ क्रूजेस, जो वो जा रही है ना ये क्रूज जाती है। विली वोंका लेक, सॉरी विली वोंका लेक, मेरे नाम से इतनी बर्फ आ रही है, इतनी जोरदार धड़ाकेदार हवा चल रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर दो लोग आए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टू बर्फ तो दिखा दूँ। यहाँ का ये देखो, देखो ना, ये देखो भाई साहब, तोड़ के दिखाओ इसे, इसमें छोटे मार के मान जाऊंगी मैं। को लग रही है ठंड, मम्मी का फोटो शूट हो रहा है। मोटर होम्स होते हैं यहाँ पे, कैंपिंग ग्राउंड बहुत सही है तो ये कामयाब है। ये एक और आ रही है, यहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड है ना। मौसम विभाग देना चाहेंगे? मौसम बहुत ठंडा है यहाँ, जब आना दो जैकेट लेके आना मोटी मोटी, और कान के लिए टोपी। और अभी समर टाइम है। हाँ। और 20 डिग्री हो रहा है अभी बस। 20 डिग्री नहीं हो रहा, 10 डिग्री हो रहा है। 20 डिग्री तो लग रहा है, बता देता हूँ तुमको, एक्चुअल डिग्री भी वहाँ पर नोट करवा दे। और मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, 10 डिग्री है। की वेट हो रही है और 20 मिनट में आएगी बस। हम उसकी मम्मी अम्मा पापा पत्थर पे बैठे हैं। अब डाउनटाउन आए और शॉपिंग नगर ऐसा हो नहीं सकता। हमें ये शॉप मिली थी, वहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, इतनी प्यारी प्यारी कैंडल्स, इतने प्यारे प्यारे ग्लासेस, और स्टेशनरी तो मेरी वीकनेस है ही। यहाँ पे हमने कुछ बहुत डिफरेंट सा देखा। ये मिमोसा बॉल्स हैं, पेन जिन्होंने भटूरे पे
चॉकलेट और ब्राउनी लगा के दे दी है, पर ठीक है, टेस्टी लग रहा है, खाओ। लाइन ही बहुत फेमस आइसक्रीम के लिए है काउज, लेकिन अभी हम खा चुके हैं नो काउज। यहाँ ये 8 बज रहे हैं और चहल पहल पूरी है, बिल्कुल डेड नहीं हुआ। कल कैलगरी तो 6:30 ही डेड बटा सन्नाटा हो गया था, और यहाँ मस्त अभी लोग जा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सन निकला ही नहीं तो क्या ही सनसेट, ये मुस्की थक गई है ये, बस हम भी जाएंगे होटल अब। हुरमा पैक करा के अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। और मैंने ना व्लॉग्स में ये भी देखा था कि क्रैनमोर में रुक जाओ, 20 मिनट की ड्राइव है ये वो, बट नहीं, जो फील मैम के अंदर रुकने से आती है ना, वो ही उसी की गेम है। वहाँ से फिर 20 मिनट आना जाना करना, वो फिर वो ही वाली सिटी घूमो। अगर मैम की फ़ील लेनी है तो फिर यहीं रुको, यहाँ है ये पीछे सारे ऑलमोस्ट एयरबीएनबीज भी हैं, होटल्स भी हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस। सो अपना जो मैंने होटल किया था उसका नाम तो मैं नीचे डाल दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, सी यू टुमारो। टुमारो वी गो विजिट लेक लुइस, अब देखते हैं कैसे जाते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुस्कान, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाय गाइस।